और मृतक के फोटो को देखकर ये बता दे कोई कि ये पानी में डूबने से मौत है कि आत्महत्या है कि तेजाब डालकर जलाकर फेंका गया, साक्ष्य छुपाने के लिए यहाँ से दूसरे जिले में ले जाना हत्या करके, तेजाब से उसको बाल चेहरे को जला देना, मुंह को पत्थर से कूच देना ताकि साक्ष्य छुप जाए, लेकिन इससे नहीं होगा जब तक कि दोषी को फांसी की सजा ना मिल जाए तब तक हम मानने वाले नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो बच नहीं पाती है। तो जस्ट उल्टा हो गया, अब तो यहाँ जो श्रेया कांड को देखते हुए लग रहा है कि बेटी जलाओ बेटी भगाओ वाला नारा हो गया। ये तो एक्शन में जैसे तीन संदिग्ध लोग को उठाए हैं, तीन संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए हैं जैसा कि एसपी मैम बता रहे थे, न्याय की उम्मीद तो करना पड़ेगा। उनका जो कार्य है उनसे अभी तक बहुत संतुष्ट नहीं है। 6:30 बजे निकली है, 6:39 में एक सीसीटीवी फुटेज में यही मोड़ पर 9 मिनट के बाद आया है, इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं, इसके बाद डेड बॉडी मिला। यहाँ के जो विधायक हैं डब्ल्यूसी वो पहुँचे सर? सबसे पहले डब्ल्यूआउ पहुँचे थे। सांसद महोदय जो जीते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र, राजा राम जी कुशवाहा जी, वो पहुँचे सर? काराकाट के सांसद महोदय तो विशेष बताएंगे, हमारे मुँह से अभी ये सब सुनना अच्छा नहीं है। मैं अभी औरंगाबाद जिले के प्रखंड नवीनगर में मौजूद हूं और यहां पे एक घटना घटी है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ दरिंदों ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है। एक 16 वर्ष की जो युवती है, जो बच्ची है, जो किन्हीं की बेटी है किन्हीं की बहन है, उसके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ है और घिनौना काम उसके साथ करके उसके बॉडी को कहीं फेंक दिया गया था। इस तरह का जो भी काम करने वाले जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास में देख रहे हो कि यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये सारे लोग बैठे उनमें ये लड़की के पिताजी हैं और इनका नाम है अभय सिंह। थोड़ा कैमरा पर फोकस कीजिए सर। इस दुख के घड़ी में सर हम लोग इतने लोग सर हैं, सर आपके साथ हैं। चलिए आप लोग के धन्यवाद सर। इस तरह का जो घटना घटी है सर हमें भी आहत है सर, सभी लोग सर आप लोग के साथ है सर, सभी लोग को बहुत जोर का झटका लगा सर, सभी लोग मायूस है। इस तरह घटना तो नहीं घटनी चाहिए सर, लेकिन हम चाहेंगे प्रयास करेंगे सर कि आप बताएं सर, लोगों को जानकारी दें कि किस तरह से घटना घटी सर और किस तरह से आप न्याय की उम्मीद करते हैं। और जो यहाँ के नवीनगर थाना के जो पुलिस प्रशासन दरोगा जी है, बड़ा बाबू है, जो भी है नवीनगर प्रशासन, क्या कर रही है, क्या कुछ न्याय की उम्मीद लग रही है सर? न्याय की उम्मीद तो करना पड़ेगा। उनका जो कार्य है उनसे अभी तक बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन ये मिल रहा है आश्वासन कि बहुत जल्द ही इसका कांड का पूरा उद्भेदन कर लिया जाएगा। और हमारी तबीयत खराब है इसलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल लेंगे। और मृतक के फोटो को देखकर ये बता दे कोई कि ये पानी में डूबने से मौत है कि आत्महत्या है कि तेजाब डालकर जलाकर फेंका गया, फोटो देखकर ही पता चलेगा। साक्ष्य छुपाने के लिए यहाँ से दूसरे जिले में ले जाना हत्या करके, तेजाब से उसको बाल चेहरे को जला देना, मुंह को पत्थर से कूच देना ताकि साक्ष्य छुप जाए, लेकिन इससे नहीं होगा जब तक कि दोषी को फांसी की सजा ना मिल जाए तब तक हम मानने वाले नहीं। हम तो थे भी नहीं, बाहर में थे भिलौर में, कल ही आए हैं 1:30 बजे, लेकिन सब चीज फोन से खबर मिला हमको। ये घटना किस तरह से घटा सर? आपकी बच्ची कोई कोचिंग वगैरह में पढ़ने जाती थी, कैसे घटी सर? थोड़ा सा 11 तारीख को
6:30 बजे कोचिंग के लिए निकली है घर से और 11 बजे लौटती थी, नहीं आई। कौन से कोचिंग संस्थान में जाती थी आपकी बच्ची? प्रीमियर कोचिंग सेंटर है। प्रीमियर कोच या नबीनगर? नबीनगर में ही है, बगल में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 1 किलोमीटर। सुबह कितने बजे जाती है? 6:30 बजे। कितने देर का क्लास रहता था प्रतिदिन? 7 से 4 साढ़े 3 घंटा लगभग, 3.5 घंटे का क्लास रहता था। 11 बजे तक लौट आती थी। 11 बजे तो क्या उस दिन जब आपकी बच्ची 6:30 बजे घर से निकलती है प्रीमियर कोचिंग के लिए, तो क्या वापस नहीं आ पाती? वापस नहीं आए, घर से फ़ोन गया, चूँकि उसके पास मोबाइल तो था नहीं, घर से फ़ोन गया कि अभी तक नहीं आई है, तो कोचिंग में भेजे अपना साला को। बोले कोचिंग वाले कि आज आई ही नहीं, कल आई थी लेकिन आज नहीं आई। मतलब आपकी बच्ची घर से 6:30 बजे निकलती है, कोचिंग नहीं पहुँच पाती? 6:30 बजे निकली है, 6:39 में एक CCTV फुटेज में यही मोड़ पर 9 मिनट के बाद आया है, इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। इसके बाद डेड बॉडी मिला, तो क्या वहाँ के जो कोचिंग सेंटर जहाँ पे आपकी बच्ची है लगातार क्लास करने जा रही थी, तो क्या वहाँ किसी भी प्रकार का कोई मामला कभी हुआ था सर? नहीं, कुछ मेरे ये तक तो जहन तक नहीं है, ना कोई बच्ची बताई है, ना और वहाँ के प्रीमियर कोचिंग संस्थान के टीचर लोग बताए हैं, या ना संचालक कुछ नहीं बताए थे। कौन से क्लास में आपकी बच्ची पढ़ती थी? 11th में। 11th क्लास में पढ़ती थी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? जब बेटी पढ़ने के लिए जाती है तो बच नहीं पाती है, तो इस तरह का जो नारा चल रहा है, तो क्या सर ये सही है नारा? सर ये तो जस्ट उल्टा हो गया। अब तो यहाँ जो श्रेया कांड को देखते हुए लग रहा है कि बेटी जलाओ बेटी भगाओ वाला नारा हो गया। ये तो नरेंद्र मोदी जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का कोई अथी नहीं है। यहाँ पे सर अभी लोकसभा 2024 का चुनाव हुई थी, यहाँ से बहुत सारे सांसद लोग खड़े हुए थे और कुछ जीते भी हैं पहले से, कुछ यहाँ पे विधायक भी हैं, तो क्या वो लोग पहुँचे सर? कोई मंत्री नेता विधायक को पहुँचे आपके सर आपके पास संवेदना व्यक्त करने के लिए? अभी तक मैं लगभग सारे लोग जो नहीं आए हैं फोन कॉन्टेक्ट में हैं। यहाँ के जो विधायक हैं डब्ल्यू सी वो पहुँचे सर? सबसे पहले WBAB पहुँचे थे। सांसद महोदय जो जीते हैं काराकाट लोकसभा, राजा राम जी कुशवाहा जी, वो पहुँचे सर? काराकाट के सांसद महोदय तो विशेष बताएंगे, हमारे मुँह से अभी ये सब सुनना अच्छा नहीं है। अभय कुशवाहा जी पहुँचे जी? अभय कुशवाहा जी आज फोन किए थे कि आना चाह रहे हैं अभय जी, जी आइए। सुशील कुमार सिंह जी का कुछ आया बयान? सुशील बाबू तो 12 तारीख को भी कॉल किए थे, फिर 13 तारीख को 14 को फिर कॉल किए, 14 तारीख को कॉल किए, शायद वो यहाँ हैं कि नहीं है ये आपको पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन कॉल किए, 10 मिनट बात किए और बोले कि हम तुरंत लगाते हैं SP साहब के सब जो भी है। बॉडी मिले हुए आज 3रा दिन है सर, तो क्या इस 3 दिनों में पुलिस प्रशासन तरफ से किस तरह का सारा काम किया जा रहा है? पुलिस एक्शन में है क्या? आपको कुछ अभी तक डाटा मिल रहा है कि क्या हो रहा है एक्शन में? जैसे 3 संदिग्ध लोग को उठाए हैं, 3 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए हैं जैसा कि SP मैम बता रही थी, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। वो लोग अगर निर्दोष हैं तो लोग के दोषी मत ठहराइए, और बॉडी जो डेड बॉडी का फोटो देखकर फिर से PM रिपोर्ट या अपने संज्ञान में SP महोदय लें कि वहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, तभी हम मानेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे। फोटो से देखें वो कि ये हत्या है कि क्या है, जैसा कि पहले बोल चुके हैं, और विशेष हम क्या बोले, तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे लोगों से। सर ठीक है बात कर लेते, लेकिन देखिए सर थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, जैसी श्रेया आपकी बेटी है मेरी भी बहन थी, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर कोई लड़की है कोचिंग पढ़ने जाती है तो शायद उसका बॉयफ्रेंड होगा, प्यार मोहब्बत का मामला होगा, तो इस तरह का कभी कोई मामला सर आपके नज़र में आया था? सर हमारे नज़र में इस तरह का कभी कुछ नहीं आया है। तो सर किसी पे कोई शक सर, किस तरह से अपहरण हुआ, इस तरह का कांड किसी से आपका सर, आपसी रंजिश लड़ाई झगड़ा कुछ भी सर?
जिसपे आपको शक हो सके। शक नहीं, ऐसे ही कुछ अपना ये, हम तो थे नहीं तो, लेकिन मोबाइल से कुछ ये किया तो तीन संदिग्ध का नाम वहाँ पे बड़ा को दिया गया, उन्हें लोग गिरफ्तार गिरफ्तार किए, लेकिन दोषी को पता करना है कि दोषी कौन है। अचानक इस तरह का घटना सर, इतनी बड़ी घटना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घट जाती है, कुछ हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये सब बेवजह का चीज़ है।